गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी सुमैरा रेहान। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं और आप मिलकर ड्रेस स्टिच करने वाले हैं। तो चलें जी, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ड्रेस है और हम उसको किस तरह से स्टिच करने वाले हैं और वो उसकी फाइनल लुक क्या होगी। तो जी, ये हमारे पास ड्रेस है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये जी मस्टर्ड ऑरेंज टाइप ही हमारे पास ड्रेस है, और ये इसकी शलवार है जो कि बिल्कुल प्लेन सिंपल है इस तरह से। और इसकी शर्ट जो है, ये जी इसकी शर्ट है, ये एम्ब्रॉयडरी शर्ट है, इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इस तरह से दुपट्टा है हमारे पास। तो इसको हम स्टिच करेंगे जबला स्टाइल में। तो चलें जी, जल्दी से इसको कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे और इसकी नेक की भी कटिंग कर लेंगे साथ ही। तो उसके बाद इसको स्टिच करेंगे और देखेंगे इसकी फाइनल लुक क्या होती है। यहाँ जी नेक डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रंट और बैक दोनों का गला जो है गोल गला मैंने कटिंग कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंचेस है। उसके अलावा जो है फ्रंट और बैक में ये फ़र्क है कि फ्रंट वाला जो है 1 इंच जो है उसकी लंबाई में ज़्यादा है और बैक वाला 1 इंच लंबाई में कम है। यहाँ मैंने लेस भी लगा ली है गले की साइड पर। इसके बाद जो है हम अपनी शर्ट का जो है फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें हम ये करेंगे कि जितनी हमें अपनी शोल्डर की लेंथ चाहिए, यानी कि मुझे तो 15 चाहिए थी, तो 15 रख देंगे। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसमें हम चुनट डाल देंगे। और चुनट डालने के लिए हमें ये करना है कि साइड से हमने 1.5 इंच छोड़ देना है, बाकी में हमने चुनट डाल देनी है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे 15 इंच चाहिए था, मैंने उसमें चुनट डाल दी और बाकी साइडों से 1.5 इंच छोड़ दिया। अब जी हमने जो चुनट वाला हिस्सा है उसको उल्टा करके रखना है, और उसके अलावा जो अपना गला है वो भी उल्टा रखना है। इस तरह जैसे गले में हम सिंपल सिलाई लगाते हैं, उस तरह से हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। और यहाँ जी मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ये इसका फ्रंट पार्ट है। अब जो है हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करके जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा गला बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यहाँ मैंने कटिंग भी कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल गोल आपने कटिंग करनी है। उसके अलावा उसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इसके बाद में इस तरह से सीधा करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से सीधा करके मैं प्रेस करूँगी। और ये प्रेस कर लिया मैंने, और यहाँ देख सकते हैं कि आप इसकी कितनी अच्छी जो है फिनिशिंग आई है। इसका बैक पार्ट जो है हमने बगैर लेस के बनाना है, लेकिन बिल्कुल ऐसे। अब जी हम दामन पे लेस लगाएंगे, और दामन की जो लेस है ये मुझे 15 रुपये गज मिली है, और इसके लिए मैंने 4 गज लेस ली है। उसके अलावा गले के लिए मैंने 1 गज लेस ली, जो मुझे 30 रुपये की 1 गज मिली। तो यहाँ पे गुम सिलाई करके मैं लेस लगाऊंगी, और इस तरह से गुम सिलाई करके हमने लेस लगा ली, जैसे सिंपल हम गुम सिलाई करके लगाते हैं। यहाँ पे स्लीव्स अभी मैंने अटैच नहीं किए, तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसकी चुनटें आई हैं। अब मैं स्लीव्स अटैच करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये है फाइनल लुक ड्रेस की, देख सकते हैं आपके कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके जो बाजू हैं वो मैंने थोड़े से फिट रखे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जबला फ्रॉक के साथ थोड़े फिट बाजू अच्छे लगेंगे। तो ये फाइनल लुक है और ये अच्छे भी लग रहे हैं। उसके बाद ये जी मैं आपको लेस वाला पार्ट दिखा रही हूँ फ्रॉक का। जैसे ये फ्रंट पार्ट में लेस है, इसी तरह से बैक पार्ट में भी लेस मैंने बिल्कुल इसी तरह से लगाई है। और इसकी जो फिटिंग है वो आपने नहीं करनी, इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगेंगी, इसमें कोई जो है बॉडी शेप नहीं आएगी। और ये जो ट्राउज़र है ये मैंने इस तरह से खुला खुला सा ट्राउज़र बनाया है। ट्राउज़र का जो पांचा था वो 10 इंच था। और ये जी गला है, गले की देख सकते हैं आपके कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके साथ ये वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।